राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अब शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति के बाद वहां जनता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राज्यपाल कालराज मिश्र भी वहां मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नीचे उतरते हुए और वहाँ उतरने से पहले वहाँ उपस्थित जनता को धन्यवाद देते हुए कि इतनी भारी मात्रा में वहाँ पहुँची है, और भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के दोनों तरफ जाकर वहां उपस्थित मौजूद जनता का धन्यवाद करते हुए उनको नमन करते हुए, और इसके साथ ये शपथ ग्रहण समारोह यहीं पर समाप्त होता है। कई सारे कद्दावर नेता बीजेपी के वहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहाँ मौजूद हैं, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जो राजस्थान से रिश्ता रखते हैं, जुड़े हुए हैं, वो भी वहाँ मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। लेकिन ये वो लम्हा अब से थोड़ी देर पहले का जहाँ इन तीनों ने शपथ लिया, भजनलाल शर्मा जो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, इन सब का बीजेपी से लंबा रिश्ता है, पहली बार चुनाव लड़कर आगे बढ़े हैं। भजनलाल शर्मा फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, विधायक बने हैं और सीधा कुर्सी उनके पास मुख्यमंत्री की उन्हें दे दी गई है। तो एक आम व्यक्ति ज़मीन से काम कर संगठन से जुड़ा हुआ बीजेपी के महामंत्री रहे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं राजस्थान में बीजेपी में, और संगठन में इन्होंने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की बात करें तो दूदू से दूसरी बार चुनकर आए हैं, बीजेपी के एससी मोर्चा के सह महामंत्री हैं साथ में, और काफ़ी साल से संगठन के लिए काम किया है। दिया कुमारी जी का रिश्ता बीजेपी के साथ लंबा रहा है, अक्सर ये कहा गया कि वसुंधरा राजे की वजह से इनको अवसर नहीं मिला आगे आने का, काम करने का। अब की बार कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के वंशज को भी बीजेपी से जोड़ने में और मारवाड़ में कई सारा काम, मेवाड़ में काम का बीजेपी की सफलता में दिया कुमारी का बहुत काम रहा, को बहुत योगदान रहा है। चर्चा था कि बीजेपी दिया कुमारी को शायद मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपते, पर इस बार जो कॉम्बिनेशन बीजेपी ने चुना है कि एक आम व्यक्ति, आम आदमी जो ब्राह्मण समाज से है भजनलाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री हैं, राजपूत समाज से दिया कुमारी जी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, और शेड्यूल कास्ट या एससी बैकग्राउंड से आते हैं प्रेमचंद बैरवा और वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो सारे कास्ट कॉम्बिनेशंस को भी देखे गए हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों को मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है जो संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता में शायद ये उम्मीद कि कोई भी काम कर मुख्यमंत्री बन सकता है, पद संभाल सकता है। भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जनता में काफ़ी उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए हैं, लेकिन क्या आपको एक सेंस ये लगा भवानी कि लोगों में इस बात का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है और समझ है कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग, काम करने वाले लोगों को काम करने का मौका दिया गया है? देखिए, आनंद के लिए कहने से ज़्यादा तस्वीरें ज़्यादा मायने रखती है, और मैं पहले आपको तस्वीरें बताऊंगा जिससे जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब भी ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सैलाब उमड़ पड़ा भारी संख्या के अंदर। यहाँ आप देखिए कि पूरी की पूरी ये सड़क जो रामनिवास बाग के अंदर की सड़क है, पूरी की पूरी फुल है। अब जैसे ही समारोह खत्म हुआ, भीड़ का जो आने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि ये पूरी रोड पहले से ही जाम है क्योंकि बाहर भी जगह नहीं है, बाहर भी देखेंगे तो पूरी रोड ये अजमेरी गेट को कनेक्ट करती है, अल्बर्ट हॉल जहां पर ये समारोह हुआ वहां से कनेक्ट करने वाली सारी सड़कें इस वक्त फुल है। वो ये मैसेज एक तरह से दे रही है कि कैसे आम आदमी जब सीएम बना तो उसको लेकर किस तरह का उत्साह, लोगों से भी बात कर लेते हैं। या देखिए कि यहां पर पीएम मोदी के नारे लगाते हुए लोग नजर आएंगे। नरेंद्र मोदी देखिए, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, लोगों को लगा है कि एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, तो राजस्थान भाजपा का आम कार्यकर्ता बल्कि आम नागरिक भी यह मौजूद है और लाखों की संख्या में लोग हैं।
आज तक जो लंच और मंच की व्यवस्था करता था पार्टी के लिए, आज मुख्यमंत्री बन गया। हम लोगों ने महीना भर साथ में काम किया। मैं बाड़मेर में था, हमारे महामंत्री जी वहाँ आए, मुझे कहा पीसी करवानी है, मीडिया वाले आनाकानी कर रहे थे। ये सब देखो, ये पार्टी में धरातल पर बैठा हुआ कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी का राज है, विकास के आयाम स्थापित हो गए, नरेंद्र मोदी जी के राज। ये एक लोकतंत्र 90 दिन से हम भजनलाल जी के कार्यकर्ता बने हुए हैं। मैं हनुमानगढ़ से, मैं और मेरे दोस्त अभय सिंह छोटे से कार्यकर्ता, उदयपुर शहर से, उदयपुरगढ़ हनुमानगढ़ उदयपुर शहर। धन्यवाद। तो प्रदेश भर से लोग जयपुर पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भाग लेने के लिए। अपने अपने नेता को वहां देखते हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता भजनलाल शर्मा एक आम आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी सबको देखने को मिली। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी, अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल, इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।